सकता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं स्पीकर के मॉडल नंबर की, AD15X 1020। जैसा कि इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है और ये हमारे स्पीकर 1000 वाट RMS पावर में देखने को मिल जाते हैं मिड बेस के लिए। मिड बेस के लिए काफी तगड़ा होता है ये स्पीकर भाई। हालांकि इसमें हमको आवाज थोड़ा कम देखने को मिलेगा, पर भाई बेस एंड वाइब्रेशन काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इस स्पीकर को जो भी टेक्निकल डिटेल्स है तो आपको इसी वीडियो में मालूम चल पाएगा और इस स्पीकर का कितना प्राइस हमको देखने को मिल जाएगा वीडियो में लास्ट तक आपको मालूम चल पाएगा। तो जैसा कि इस स्पीकर के पहले हम बैक लुक जाते हैं भाई, बैक लुक हमको इस स्पीकर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए, जैसे कि भाई हमारा हीट सिंक निकालने के लिए यहाँ पे काफी होल्स देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे होल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 6 होल्स हमको देखने को मिल जाएंगे। हमारा होइस कॉइल जो इसमें यूज होता है 4 इंची का होइस कॉइल होता है इन आउट वेंडिंग के साथ, जैसे कि भाई हमारा होइस कॉइल ज्यादा लंबे समय तक चलेगा और भाई हीट सिंक हमारा इसके थ्रू भाई बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा होइस कॉइल ज्यादा लंबे समय तक चलता है और जलता नहीं। और भाई इस स्पीकर के चेसिस की बात की जाए तो प्योर एल्युमिनियम है हमको देखने को मिल जाते हैं ब्लू और सिल्वर कलर में, जैसा कि इसके हमको भाई जैसा कि इसका कलर देखने को मिल जाता है। और जैसा कि लीड वायर वाला यहाँ पे आप देखेंगे भाई टर्मिनल सॉकेट काफी अच्छा दिया गया है, मैग्नेट साइज देखेंगे काफी मोटा दिया गया है, जैसा कि भाई हमारा स्पीकर काफी अच्छा चलेगा। और जैसा कि लीड वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लचीला दिया गया है, क्योंकि भाई लीड वायर क्या होता है भाई ज्यादा शिकायत आता है लीड वायर टूट जाता है, इसमें भाई इस चीज को काफी ध्यान में रखा गया है और काफी तगड़ा लीड वायर इसमें यूज हुआ है। और स्पीकर के फ्रंट लुक में आप देखेंगे पेपर कोन जो इसमें यूज हुआ है, जो इसका पेपर कोन यूज हुआ है, जैसा कि बेस स्पीकर में आप देखेंगे इस तरीके का पेपर कोन यूज होता है, बिल्कुल वैसे ही हमको पेपर के देखने को मिल जाते हैं 3 लेयर के साथ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे स्पीकर बेस एंड वाइब्रेशन काफी तगड़ा निकाल के देगा, प्रेशर इस स्पीकर से काफी तगड़ा मिलने वाला है। ये तो हो गया इस स्पीकर का पेपर कोन, काफी अच्छे क्वालिटी का पेपर कोन इसमें यूज किया गया है, काफी अच्छे से कंपनी ने इस पे ध्यान दिया है पेपर कोन पर। और इस स्पीकर का नेट वेट आप देखेंगे 10 kg का ये स्पीकर देखने को मिल जाएगा। मॉडल नंबर आप देख ही सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही बताया AD15X 1020ES, जैसा कि मॉडल नंबर मेंशन किया गया है यहाँ पे। और जैसे कि 1000 वाट का ये स्पीकर होता है, जैसे कि भाई इस स्पीकर को हम टॉप के लिए यूज कर सकते हैं भाई, टॉप में काफी तगड़ा प्रेशर के साथ जैसे कि बेस एंड वाइब्रेशन चाहिए तो भाई हम इसको यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस स्पीकर की प्राइस की, जैसे कि आपको अपने मार्केट में कम प्राइस थोड़ा कम बेसी जैसा कि भाई ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस स्पीकर का प्राइस कंपनी का मेंशन हमको भाई 9000 जैसे कि 9500 देखने को मिल जाता है, आपको अपने मार्केट में ये स्पीकर 10000 से 10500 के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए 10000 से 11000 के बीच में इस स्पीकर का एप्रोक्स प्राइस देखने को मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भाई ये स्पीकर आप बड़े डीलर से ही ले, आपको थोड़े कम प्राइस में ये स्पीकर देखने को मिल जाएगा और ओरिजिनल स्पीकर आप तक पहुँच पाए, क्योंकि भाई इस समय ऑडियो टोन का काफी ज्यादा डिमांड चल रहा है भाई। ऑडियो टोन भाई डुप्लीकेट काफी ज्यादा स्पीकर निकल चुका है, तो बड़े डीलर से लेंगे तो आपको ओरिजिनल स्पीकर मिल जाएगा और कम प्राइस में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई। तो जो भी डिटेल्स था इस स्पीकर के बारे में हमने आपको बताया, आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा। जैसे कि इस स्पीकर के बारे में जो भी डिटेल्स था हमने आपको बताया, तो आइडियो टोन का 1000 वाट का ये स्पीकर आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना, जैसा कि भाई हम डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से वीडियो डालते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।